हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पर राइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है, आपको आगे वीडियो में स्पॉइलर्स मिल सकते हैं। द फ्लैश का रन टाइम अब शो कर रहा है 2 घंटे और 20 मिनट। अगर 2 घंटे 20 मिनट से ज्यादा भी हो तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल वाली मूवीज की ड्यूरेशन अगर ज्यादा हो तब और ज्यादा मजा आता है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं एंडी मशेटी और स्क्रीन प्ले लिखा है क्रिस्टीना हॉटसॉन ने। कहानी है जॉन फ्रांसिस डाले, जोनाथन गोल्डस्टीन और जॉबी हेरोल्ड की। सिनेमेटोग्राफी है हेनरी ब्राहम की। मूवी एडिट की है जैसन बैलेंटाइन और पॉल मैकलिस ने। म्यूजिक या फिर बीजीएम दिया है बेंजामिन वॉल्फिश ने। प्रोडक्शन टीम में ऑफकोर्स डीसी स्टूडियोज है, डीसी के अलावा डबल ड्रीम और द डिस्को फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है ये मूवी। डिस्ट्रीब्यूट ऑफकोर्स वार्नर ब्रदर्स कर रहे हैं और बजट जैसा कि मैंने बताया था $200 मिलियन है। वर्ल्ड्स कोलाइड कर रहे हैं लेकिन कास्टिंग अभी भी काफी छोटी है और मेरा ये मानना है कि मूवी में काफी सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। सो मूवी में कोर्स बैरी एलन द फ्लैश के रोल में है एज्रा मिलर। एज्रा मिलर काफी कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं, उनके ऊपर एक से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए हैं और वो काफी न्यूज में थे इस वजह से कि उन्होंने एक लड़की को अगवा कर लिया था। ऐसा लड़की के पेरेंट्स ने केस दर्ज किया है। वो लड़की एज्रा मिलर की गर्लफ्रेंड बताई जाती है। तो रियल लाइफ में द फ्लैश ने लड़की भगा ली है। बैरी एलन एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं और उनके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है जिसकी मदद से वो काफी तेज भाग सकते हैं, लेकिन इस मूवी में वो उस स्पीड का इस्तेमाल करके टाइम में आगे या फिर पीछे ट्रैवल करने वाले हैं। पहले टाइम में पीछे ट्रैवल करेंगे अपने माँ की मर्डर को रोकने के लिए और बाद में शायद टाइम में आगे भी ट्रैवल करने के चांसेस हैं। कुछ सिलेक्टेड पर्सनैलिटीज को स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी मूवी की। देखने के बाद उन लोगों ने कहा है कि मूवी बहुत ही अच्छी बनी है और एज्रा मिलर को जो लोग अभी हेट कर रहे हैं, लोग उन्हें हेट करना बंद कर देंगे मूवी देखने के बाद, उनसे लोगों को प्यार हो जाएगा, ऐसी परफॉर्मेंस एज्रा मिलर ने दी है। एज्रा मिलर के बाद आती है शाशा केल जो होंगी सुपर गर्ल। उनका नाम होगा कारा जोर एल जो सुपरमैन की ही फीमेल वर्जन है। शाशा केल एक लटीना एक्ट्रेस है जो पहली बार सुपर गर्ल पोर्ट्रे करने वाली है और डीसी फिलहाल काफी ग्लोबली एक्टर्स को फिल्म में पोर्ट्रे करवा रहे हैं। ब्लू बीटल के एक्टर भी एक स्पेनिश एक्टर है, तो दुनिया भर के अलग अलग रीजन से वो लोग कास्ट कर रहे हैं अपने कैरेक्टर्स को। ये अच्छी बात है, इससे मूवी की रीच बढ़ जाती है। माइकल शैनन वापस आ रहे हैं जनरल जॉर्ड के कैरेक्टर में। रॉन लिविंगस्टोन होंगे हेनरी एलन, बैरी के फादर, जो रॉन्गली कन्विक्ट होते हैं उनकी वाइफ के मर्डर के लिए। इससे पहले हेनरी एलन का किरदार निभा रहे थे बिली क्रूडॉप, लेकिन उनकी शूटिंग डेट्स मैच नहीं होने की वजह से अब रॉन लिविंगस्टोन ये रोल प्ले कर रहे हैं। मैरिबल वर्डू होंगी नोरा एलन, जो बैरी की माँ है और उनकी मौत हो जाएगी, उनका मर्डर हो जाएगा। और जितना मुझे पता है बैरी के माँ के पास पहले सुपर ह्यूमन स्पीड की पावर्स आती है। अब पता नहीं मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा या नहीं। केयर से क्लिमॉन्स आयरिस वेस्ट है जो इससे पहले जस्टिस लीग में दिख चुकी है। एंड जे ट्रॉई है फारा और जो जनरल जॉर्ड का असिस्टेंट है। और माइकल कीटन बैटमैन के रूप में वापस आएंगे। माइकल कीटन का बैटमैन 1989 में रिलीज हुई थी और उसके बाद वो 1992 में बैटमैन रिटर्न्स में फिर से दिखे थे। इन दो मूवीज के इवेंट्स अब डीसी यूनिवर्स के अंदर आ गई है। माइकल कीटन को लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और माइकल कीटन काफी दमदार लग भी रहे हैं ट्रेलर में और उनका रोल बड़ा होना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। और शायद आगे माइकल कीटन दिखने वाले हैं, वो रह जाएंगे बैरी के यूनिवर्स में। बेन एफ्लेक के बैटमैन का ये आखिरी अपीयरेंस है। बेन एफ्लेक का बैटमैन और बैरी एलन के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हुई थी और बेन एफ्लेक ने यह कहा है कि इस मूवीज में जितने भी सीन्स उनके हैं वो एक इमोशनल एंगल को ही पोर्ट्री करेंगे। तो मुझे लगता है बेन एफ्लेक का बैटमैन आगे नहीं दिखने वाला है और उसकी जगह पर माइकल कीटन कंटिन्यू करेंगे। काफी पहले से कहा जा रहा है कि ये मूवी डीसी को रिबूट करने वाली है। जेम्स गन ऑलरेडी सुपरमैन लीगेसी अनाउंस कर चुके हैं, तो ये मूवी अगर डीसी को रिबूट करेगी तो ऐसा हो सकता है कि शायद एज्रा मिलर भी रिबूट हो जाए, वो भी ना दिखे, क्योंकि क्रिमिनल केसेस चलने की वजह से शायद उनको कंटिन्यू ना किया जाए। तो टीवी सीरीज में जो हम फ्लैश को देखते आए हैं वो फ्लैश शायद डीसी के यूनिवर्स में आ जाए, ऐसा होने के चांसेस बनते हैं। ग्रांट गास्टिंग प्ले करते हैं टीवी सीरीज में फ्लैश का रोल। फिलहाल ग्रांट गास्टिंग मना कर रहे हैं कि वो नहीं है मूवी में, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, मूवी में वो दिख भी सकते हैं और शायद वो आगे कंटिन्यू कर भी
सकते हैं फ्लैश के रोल को। जेम्स गन के सुपरमैन लीगेसी के लिए अभी सुपरमैन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक्टर कंफर्म नहीं हुए हैं, तो द फ्लैश के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिससे हेनरी कैविल का सुपरमैन भी ऑफिशियली शायद हट जाएगा डीसी यूनिवर्स से। सो मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बन गई है। 16 जून को मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन उसी दिन आदि पुरुष भी रिलीज होने वाली है, और आदि पुरुष का जो ट्रेलर लॉन्च हो गया है उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। मूवी डिसअपॉइंट ही करने वाली है, और डिसअपॉइंटमेंट से भी ज्यादा मूवी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली है। सो मेरा आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।